शालिन को सपोर्ट करने पर प्रियंका के अगेंस्ट हुए सारे घर वाले, क्या अंकित भी है उनमें शामिल? क्या है पूरी अपडेट, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोक्स। आपको बताना चाहूंगी कि कल के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सलमान खान ऑप्शन देते हैं शालिन भनौत को, कहते हैं कि आपके पास ये बजर रखा है सामने और अगर आपने ये बजर दबाया तो एलिमिनेशन का जो प्रक्रिया है वो नहीं होगा, दोनों में से यानी सुमुल और टीना में से कोई नहीं जाएगा, लेकिन प्राइज मनी से 25 लाख डिडक्ट हो जाएंगे और अगर आपने नहीं दबाया तो प्राइज मनी वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन सुम्बुल और टीना में से कोई भी वोटिंग के आधार पर बाहर निकल जाएगा। तो टीना और सुम्बुल दोनों ही मना करती उन्हें कि आप बजर मत दबाइए, इनफैक्ट सारे घर वाले बोलते हैं और अंत में वो नहीं बजर दबाते हैं, और जिस चीज़ के लिए सभी उनको अप्रिशिएट करते हैं, सभी उनकी तारीफ करते हैं, पर टीना बाहर निकल जाती है। अब टीना को वापस बुलाने के लिए बिग बॉस ने फिर से वही ऑप्शन दिया, वही ऑप्शन शालिन के सामने रखा कि वो बजर दबाएं तो टीना वापस आ जाएंगी, और या तो पैसा या तो दोस्ती, प्यार या तो दोस्ती, कुछ ऐसा ही सामने रखा। तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने बजर दबा दी और टीना घर में वापस आ जाती है। इस डिसीजन के लिए प्रियंका और शिव के बीच में काफ़ी लड़ाई हो रही है, बड़ी लड़ाई हो रही है कि वो कैसे सपोर्ट कर सकती हैं शालिन का, और प्रियंका की हिपोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं शिव। अर्चना और सौंदर्या भी जो है वो भी ये कह रही है कि भाई प्रियंका जो है वो शालिन के गुड बुक्स में रहने की कोशिश करें, उनको सपोर्ट करके उनके साथ उनके गुड बुक्स में रहना चाहती हैं, और सभी इनफैक्ट बिग बॉस भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये कैसा क्या है उस पर भी। कहीं ना कहीं अब जो डिसीजन लिया है उसका तो भाई चुकाना ही पड़ेगा शालिन को कीमत, लेकिन प्रियंका जो है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है। अब सारे ऑब्वियसली जब ये बात पर प्रियंका उनका सपोर्ट कर रही हैं, जब 25 लाख प्राइज मनी से घटाकर उन्होंने टीना को घर में आने दिया है, तो इस बात को लेकर सभी घर वाले तो गुस्से में हैं, प्रियंका लेकिन सपोर्ट कर रहे, तो इस पर प्रियंका पे भी गुस्सा आ रहा है। अब देखना ये कि क्या अंकित भी प्रियंका का साथ देंगे शालिन के सपोर्ट करने में। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्या लगता है, और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा पोस्ट।